हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग की। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये काफी जाना माना लिटरेरी टर्म है और अक्सर सुनने में आता रहता है। देखो, यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है ड्रामेटिक और एक है मोनोलॉग। मोनो मीन्स एक और लॉग मीन्स बातचीत, है ना। यानी जब अकेली बातचीत होती है, दूसरी बातचीत नहीं होती, अकेला सिंगल डिस्कशन होता है, तब हम उसको मोनोलॉग बोलते हैं। और मोनोलॉग कैसा होगा? ड्रामेटिक होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे से समझते हैं, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग इट इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री, कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये एक नैरेटिव पोइट्री है। यानी नैरेटिव, नैरेटिव बोलते हैं एक कहानी होती है, ऐसी पोइट्री, ऐसा नैरेशन जिसके अंदर आप कोई कहानी बताते हैं, कोई बातचीत या कोई घटना बताते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में सबसे पहले ये एक ऐसी पोइट्री है, एक ऐसी शायरी है जिसके अंदर कोई भी पास्ट इवेंट बताई जाती है, कोई भी स्टोरी, कोई भी घटना बताई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर बात करता है। तो दो बात समझ में आ गई आपको कि ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे पहले इसमें एक ही कैरेक्टर बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना मोनो, मोनो मीन्स अकेला, लॉग मीन्स बात। यहाँ पर अकेला इंसान बात करेगा, पहली बात। और दूसरा, नैरेटिव पोइट्री, ये एक ऐसी पोइट्री है, एक ऐसी शायरी है जो कि नैरेटिव होती है। यानी इसके अंदर वो जो स्पीकर है वो कोई घटना बताएगा, कोई बातचीत बताएगा। ठीक है, और ये ड्रामेटिक होती है क्योंकि पोइट एक्सप्रेस कैरेक्टर एंड सिचुएशन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। इसको ड्रामेटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पोएट है, जो कैरेक्टर है, जो भी घटना बताएगा, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा और उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जैसे कि ड्रामा के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं देखने को, क्लैश मिलता है, सिचुएशन मिलती है, तो इसी तरह यहाँ भी आपको सिचुएशन भी मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, क्लैश दिखाई देगा, इसीलिए हम इसको ड्रामेटिक भी कहते हैं। तो ड्रामेटिक क्यों कहते हैं? भैया, तो पोइट्री है, बेसिकली एक नैरेटिव पोइट्री है, लेकिन ड्रामेटिक क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर यही होगा, ये इसका आंसर ये है, क्यों? क्योंकि ये ड्रामेटिक इसलिए है क्योंकि ड्रामे की तरह यहाँ भी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, यहाँ भी क्लैश देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको ड्रामेटिक भी कहते हैं। और ये जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये किसी इंसान को एड्रेस की जाती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान किसी इंसान से बात कर रहा है जबकि सामने वाला चुप है ना। जैसे कि मैं हूं, मैं अपनी बात किसी को बता रहा हूँ, कोई मेरे साथ में ऐसी घटना घट गई है कि मैं उसको बता रहा हूँ, या मैं अपने दिमाग में जो मेरा एक मेरा मशवरा है, मेरी ओपिनियन है, मेरे आइडियाज है, वो मैं किसी इंसान को बता रहा हूँ और वो इंसान सामने बैठा हुआ है या मेरे साथ चल फिर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, वो चुप रहेगा बस। बीच बीच में हम देखते हैं कि वो इंसान बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो इसका मेन स्पीकर है, इसका जो ये वाला जो अकेला स्पीकर है जो बात कर रहा है, अगर जिसको वो बता रहा है, अगर वो बोलने की कोशिश भी करता है तो ये उसको चुप कर देता है। क्यों? क्योंकि ये मोनोलॉग है, अकेला इंसान बात करेगा, अगर सामने वाला बोल जाएगा तो मोनो तो नहीं बचेगा ये। तो इसीलिए यहाँ पर एक इंसान और भी होगा, याद रखना आपको, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक इंसान और भी होगा जो सुनेगा। यहाँ पे ऑडियंस भी हो सकती है, अकेला इंसान भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो जो भी होगा सामने वो चुपचाप इसको सुनता रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान याद आ गई आपको कि इसमें कोई और इंसान भी होगा जो कि खामोश रहेगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये एक लंबी स्पीच होती है। कैसी होती है? अ लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन। लॉन्ग तो होगी, जब एक इंसान बात कर रहा है, ठीक है, एक इंसान बात करता जाएगा, बात करता जाएगा, बात करता जाएगा, अपने विचार बताता जाएगा, तो लॉन्ग स्पीच बन जाएगी। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ये बेसिकली एक नैरेटिव पोइट्री होती है जो कि काफी लंबी स्पीच में होती है और ये एक ही इंसान बात करता है। यहाँ पर एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, टर्म है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी और ड्रामेटिक मोनोलॉग ये दोनों लगभग सेम माने जाते हैं, लेकिन इनके बीच में फर्क है। फर्क मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो हमने ये पढ़ा, इट इज एड्रेस टू समवन, ये कि यहाँ पर दूसरा इंसान भी होगा, बस यही फर्क है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में सामने एक इंसान और होगा जिसको बातें बताई जा रही होगी, लेकिन वो खामोश रहेगा, वो बोलेगा नहीं, जबकि सोलिलोक्वी में कोई इंसान मौजूद नहीं होगा, अकेला इंसान होगा, बंद कमरे में हो, जंगल में हो, अकेला होगा, उसके आसपास कोई भी नहीं होगा, बस यही फर्क है।
रहे हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग सोलिलोक्वी से अलग है, क्यों? क्योंकि सोलिलोक्वी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियन को, है ना, एक इंसान क्या करता है, उनको एक्सप्रेस करता है, सिर्फ अपने आप ही करेगा। जैसे इंसान होते हैं ना, अपने आप ही बात करते रहते हैं, अपने आप ही सोचते रहते हैं, सिर्फ वो होता है सोलिलोक्वी। और ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जब हम किसी को बात बताते हैं, उसको उससे कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनना, बोलना मत, बस सुनते रहना, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता है। दूसरे तरीके से जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या है, अ काइंड ऑफ लिरिक। ये याद रखना कि ड्रामेटिक मोनोलॉग किस में लिखा जाता है, पोएट्री में लिखा जाता है, शायरी में लिखा जाता है, और ये हमेशा ही लिरिक की फॉर्म में लिखा जाता है। दीज पोएम्स आर ड्रामेटिक इन द सेंस दैट दे हैव थिएट्रिकल क्वालिटी। ये कह रहे हैं ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये क्या है, ये एक थिएट्रिकल क्वालिटी भी रखते हैं, यानी आप इनके ऊपर थिएटर कर सकते हैं, आप इनके ऊपर प्ले बना सकते हैं, आप इनको दूसरे ऑडियंस के सामने इनको बता सकते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक थिएट्रिकल क्वालिटी भी रखता है। और पोएम का इज मेड टू बी रीड टू एन ऑडियंस। देखो वही बात आ गई कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये इसका मतलब ये होता है कि सामने ऑडियंस बैठी हुई है और उन ऑडियंस के सामने एक पोएम को पढ़कर सुनाया जाता है और आइडियाज को बताया जाता है। टू से दैट पोएम इज अ मोनोलॉग मीन्स दैट दीज आर द वर्ड्स ऑफ वन स्पीकर विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम द, वही कह रहे हैं देखो कि ये सिर्फ एक ही स्पीकर के वर्ड होंगे, एक ही स्पीकर की बातचीत होंगी, और जो दूसरा स्पीकर है वहां से कोई भी बातचीत हमें देखने को या सुनने को नहीं मिलती। ठीक है, अब ये तो होगी यहाँ इनकी बात। अब आपने क्या समझा है, आप उसको थोड़ा रिकैप कर लें। ड्रामेटिक मोनोलॉग बेसिकली मोनो ड्रामेटिक ड्रामेटिक इसलिए कहा है क्योंकि इस पोएम के अंदर, इस पोइट्री के अंदर यहाँ पर हमें कुछ सिचुएशन देखने को मिलेंगी, कुछ क्लैश देखने को मिलेगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हम ड्रामेटिक कहते हैं। और मोनो अकेला, मोनो मीन्स एक, यानी एक इंसान होगा, एक स्पीकर होगा जो कि क्या करेगा, लोग, लोग मीन्स बात, मोनो प्लस लोग, एक अकेला इंसान बातचीत करेगा, यहीं से क्लियर हो जाती है सारी चीजें। आपने इसमें पढ़ा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग ये बेसिकली एक ऐसी शायरी है, एक ऐसी पोइट्री है जो कि नैरेटिव होती है। नैरेटिव यानी नरेशन होता है, एक स्टोरी बताई जाती है, आइडियाज बताए जाते हैं, ओपिनियंस बताई जाती हैं, और ये काफी बड़ी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इंसान और होगा जिसको अपनी बातें बताई जाएंगी, ठीक है, और वो इंसान, सामने बैठने वाला इंसान बिल्कुल चुप रहेगा, खामोश रहेगा। आप इसको सोलिलकी नहीं कह सकते हैं क्योंकि सोलिलकी में सिर्फ एक इंसान अपने आप से बात करता है, सामने कोई ऑडियंस उसके नहीं होता, जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऑडियंस भी रहते हैं। आप इसके अंदर थिएट्रिकल क्वालिटी को देख सकते हैं। आप ड्रामेटिक मोनोलॉग जो पोएम्स हैं, बड़ी बड़ी पोएम्स होती हैं, लॉन्ग स्पीच होती है, उसके ऊपर आप थिएटर कर सकते हैं, स्टेज के ऊपर आप इसको प्ले कर सकते हैं, ऑडियंस के सामने आप इस पोएम को पढ़कर भी सुना सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, आप एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझ जाएंगे, आप इनको पढ़ लेना, कि माई लास्ट ब्रचिज ये जो है पोएम, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, बहुत अच्छी पोयम है माई लास्ट ब्रचिज। इसके अलावा द बिशप ऑर्डर्स हिज टर्म, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, ठीक है, और एंड्रे डेल सैल्टो, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस पोयम है, और मैन एंड वुमन, रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही है, ये पूरा एक कलेक्शन है मैन एंड वुमन। क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे, रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही है। ड्रामेटिक परसोना, रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, और ये जो बहुत ही फेमस है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रो, टीएस एलियट, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और यूलिसिस टेनिसन की, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, बहुत जो है आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक बार और से इसको सुन लेना लेक्चर को, उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ आ ही जाएगा। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं आपसे।